अब स्टूडेंट जो है लास्ट में स्टडी टाइम को कैसे मेंटेन किया जाए स्टूडेंट, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि हम कुछ दिन तो रेगुलर होते हैं, उसके बाद क्या होता है लेक्चर्स आपको मिलते चले जाते हैं, आप लेक्चर्स को देखते नहीं हो, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, खूब सारे लेक्चर्स हो गए, लेक्चर्स को आप देख ही नहीं रहे हो, लेक्चर्स को नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है लेक्चर्स आपके पेंडिंग होते चले आ रहे हैं, पीडीएफ आप केवल कलेक्ट कर रहे हो, पीडीएफ मोबाइल में कलेक्ट हो रही है, डाउनलोड हो रही है, उस पीडीएफ को भी अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हो, बाद में ढेर सारे लेक्चर, ढेर सारी पीडीएफ नोट्स जाती हैं तो वो आप प्रॉपरली फिर उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते इकट्ठे। तो इसलिए हमेशा अपनी स्टडी टाइम को मैनेज और मेंटेन करना ज़रूरी है। स्टडी टाइम को मेंटेन कैसे किया जाए तो इसका भी कुछ तरीका है। क्या तरीका हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करो इसको। सबसे पहली चीज़ क्या कि आप कभी भी बहुत भारी भरकम जो है अपना शेड्यूल में बनाओ, रोज का जो आप शेड्यूल बनाते हो ना कि आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 मैं फ्रेश होऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा 6 से 7, फिर मैं 7 से लेकर 12-10 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा, फिर मैं 1 बजे से पढ़ाई करूंगा। तो ये जो आप एक भारी भरकम शेड्यूल अपना बनाते हो, तो ये जो टाइम टेबल बना के अपने रूम में चिपका लेते हो, मैं नहीं इसको मानता, मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। मैं बल्कि ये सोचता हूं कि आपको जो है जैसे होता नहीं कि घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब कि घंटों के हिसाब से मत पढ़िए, कोई एक भारी भरकम शेड्यूल, टाइम शेड्यूल मत बनाइए, घंटों के हिसाब से न पढ़िए। हाँ, आप एक ऐसा टारगेट बनाइए जैसे कि वीकली टारगेट बना लीजिए कि मुझे इस वीक में जो है ब्रायोफाइटा यूनिट खत्म करनी है, ठीक है ना, या फिर आप एक मंथली टारगेट बना लीजिए, एक ईयरली टारगेट, अगर आप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईयरली टारगेट बनाइए, मुझे इस एक साल में जो है ये बुक खत्म करनी है पढ़ के। तो इस तरह का आप टारगेट, एक ग्रास टारगेट बनाइए, ठीक है ना, आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई मत करिए, डेली बेसिस पे टारगेट बनाइए लेकिन टाइम फिक्स मत करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? डेली बेसिस पे टारगेट बना लीजिए कि कल मुझे ये टॉपिक खत्म करना है पढ़ के, कल मुझे ये वाला सिलेबस का ये टॉपिक खत्म करना है, लेकिन आप जो है उसका टाइम फिक्स मत करिए, क्योंकि जब अगले दिन आप उसको जो है पढ़ेंगे, जब भी आप खाली हों, जब भी अगले 1 घंटे आपके खाली हों, आप प्रिपेयर हों, आप तुरंत उसको पढ़ लीजिए। इस तरह से आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टाइम बना देंगे कल मैं 12 से 2 बजे तक पढ़ूंगा, तो अक्सर क्या होता है जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कोई भी चीज़ें हो गई, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई घर में कोई इमरजेंसी हो गई, आपके घर वालों ने किसी काम से आपको भेज दिया, या फिर उस टाइम आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, नेट नहीं है, या फिर बहुत सारी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करते हैं वो टाइम आपका ख़राब हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते। तो हमेशा टाइम को मत फिक्स करिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो है डेली बेसिस पे टारगेट बनाइए, बस डेली बेसिस पे टारगेट बनाइए लेकिन टाइम को फिक्स मत करिए, बस एक इस तरह से कर लीजिए कि हाँ अगले 1 घंटे में मुझे पढ़ना, अगले 1 घंटे आप पढ़ लीजिए, फिर खाली है और मन है तो फिर 1 घंटे और पढ़ लीजिए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो रोज़ रोज़ का टारगेट आपका पूरा होता जाएगा, ठीक है। सिंसियरिटी से बस इतना कर लीजिए आप, ठीक है ना, हर 1 घंटे की प्लानिंग करते जाइए, मेरे कहने का मतलब है हर 1 घंटे की प्लानिंग करते जाइए, उसको पूरा करते जाइए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो सिलेबस है वो पूरा होगा और स्टडी टाइम आपका मेंटेन रहेगा, कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी। फिक्स शेड्यूल कभी मत बनाइए, ठीक है ना, साल भर का एक बना लीजिए, 6 महीने का, जैसे साल भर का पूरा 100% कोर्स आपका, 1 साल का 1 सेमेस्टर का कोर्स होता है जितना भी 6 महीने का, फिर उसको आप जो है एक एक मंथ में डिवाइड कर दीजिए कि एक मंथ में मुझे इतने चैप्टर पढ़ने, इतनी यूनिट पढ़ने, फिर एक एक मंथ के बाद आप उसको वीक में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से एक ग्रास टाइम टेबल आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं सेट करना है, टाइम को फिक्स मत करिए, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जब भी आप खाली रहते हैं उसी हिसाब से हर 1 घंटे की प्लानिंग करते हुए पढ़िए। ऐसे टाइम शेड्यूल करके अगर आप मेंटेन करके करेंगे तो आप हमेशा जो है बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये बातें समझ में आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ? इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ही आप वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ ले पाएंगे, या किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन, चाहे ऑफलाइन ही हो, ये रूल हैं, ये कुछ गाइडलाइंस हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए पढ़ाई करता है, तभी वो कामयाब बनता है, तभी वो अच्छे मार्क्स लाता है, तभी वो टॉप करता है। लापरवाही अगर आप कहीं पर भी करते हैं तो उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बिल्कुल लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही से आपकी सारी एजुकेशन बेकार हो जाएगी, आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए बच्चों, बहुत अच्छे से इन सारे सजेशंस को आपने अभी लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो आप इसको ज़रूर लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन चीज़ों को हमेशा साल भर के लिए, जब तक आप पढ़ते हैं, जब तक आप अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक के लिए मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो इन चीज़ों को हमेशा अमल करेंगे आप, तभी आप अच्छे से चीज़ों को गेन कर पाएंगे।